हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड कप मैच के पहले मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है दोपहर को 2 बजे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद इंडिया में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी पूरी जानकारी देने वाले हैं। बस मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, और अगर ये बताए गए टिप्स और ट्रिक्स को आप अपने ड्रीम इलेवन टीम बनाने में शामिल करते हैं तो आपके विनिंग करने के चांसेस बहुत ही हाई रहने वाले हैं। तो इस बात की सपोर्ट की बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छा बैटिंग पिच रहने वाला है, जहाँ पर टीम पहले बैटिंग करना पसंद करती हैं, और यहाँ पर बैटिंग फास्ट करने वाली टीम को एडवांटेज भी रहता है, और फास्ट बॉल से यहाँ पर इस वेन्यू पर ज़्यादा विकेट लेते हैं स्पिनर्स के मुकाबले, इस बात का ध्यान रखना। एवरेज फर्स्ट इन स्कोर की बात की जाए तो 300 से 320 बन सकता है, मतलब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए लास्ट 5 ODI मैचों में, तो ध्यान देना टोटल 5 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से 4 अकेले इंग्लैंड की टीम ने जीता है, सिर्फ 1 मैच में न्यूजीलैंड की टीम जीत दर्ज कर पाई है। अगर बात की जाए वेन्यू रिकॉर्ड की तो टोटल यहाँ पर 26 ODI मैचेस खेले गए हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 14 मैचों में जीत दर्ज हुई है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को 12 मैचों में जीत दर्ज हुई है। तो हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड की, इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की और रिसेंट मैच परफॉर्मेंसेज की। तो यहाँ से ओपन करने वाले हैं मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली जॉनी बेरस्टो, उनके साथ ओपन करने वाले हैं डेविड मलान। जॉनी बेरस्टो की बात की है तो ODIs में 98 मैच खेल चुके हैं, 3653 स्कोर किया 45 ओवर से, अच्छे बल्लेबाजी करता है, हेड टू हेड में 11 मैच खेले हैं, 546 रन स्कोर किया है 54 ओवर से, और रिसेंट फॉर्म भी थोड़ा बहुत अच्छा है, इसको स्टार्ट्स मिले हैं। ध्यान रखना अगर ये ट्रेंट बोल्ट को शुरुआत में अच्छी खेल जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, इस बात का ध्यान रखना। और ये क्योंकि बैटिंग पिच है तो मेरे हिसाब से जॉनी बेरस्टो इस मैच में एक मस्ट पिक रहने वाला है। डेविड मलान आएंगे उनके साथ ODIs में, इनके नाम 21 मैच में 1046 रन है 61 की बेहतरीन ओवर से, और हेड टू हेड में इसका रिकॉर्ड और भी अच्छा हो जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच खेला है, 277 रन स्कोर किया है 92 की ओवर से, और रिसेंट फॉर्म तो बहुत ही तगड़ा है, इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। पिछले मैच में हालांकि इसने 4 रन स्कोर किया था जो कि वार्मर मैच था। जो रूट आएंगे ODIs में, इनका नाम 162 मैच में 6246 रन है 48 की ओवर से, हेड टू हेड में 25 मैच खेले हैं 971 रन स्कोर किया 46 की ओवर से, और रिसेंट फॉर्म मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहा है इनका। तो ध्यान रखना ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा बहुत फंसते भी हैं, इंपॉर्टेंट पिक कब रहने वाले हैं इस बात का ध्यान रखना। बेन स्टोक्स हैं ODIs में, इनका नाम 108 मैच में 3159 रन है 40 की ओवर से, और हेड टू हेड में इसका रिकॉर्ड और भी अच्छा हो जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 मैच खेला है, 661 रन स्कोर किया 55 की बेहतरीन ओवर से, और रिसेंट फॉर्म की बात की है तो ये भी बहुत ही शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहा है, इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। जोस बटलर हैं ODIs में, इनका नाम 169 मैच में 4823 रन है 41 की ओवर से, हेड टू हेड में 24 मैच खेले हैं 738 रन स्कोर किया 41 की बेहतरीन ओवर से, और रिसेंट फॉर्म इसको भी स्टार्ट्स मिले हैं, इस बात का ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पिक रह सकता है अगर जोस बटलर की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो इसको आप कैप्टन भी खेल सकते हो, अच्छा पिक रहने वाला है। लियाम लिविंगस्टोन है ODIs में, इनका नाम 16 मैच में 436 रन है 39 की ओवर से, 10 विकेट निकाले हैं, हेड टू हेड में 4 मैच खेले हैं 186 रन स्कोर किया 4 विकेट निकाले हैं 62 की ओवर से, ध्यान ये आपको कम से कम 4 से 5 ओवर गेंदबाजी से भी दे सकता है। रिसेंट फॉर्म की बात की है तो 95 नॉट आउट 11 रन 3 विकेट 28 रन 1 विकेट डिड नॉट बॉल नाइदर बैट 7 रन 0 विकेट। ध्यान रखना पिछले वाला 2 मैचों में ये वार्म अप मैच थे। मोइन अली हैं ODIs में, इनका नाम 132 मैच में 2260 रन है और 106 विकेट भी निकाले हैं, हेड टू हेड में 10 मैच खेले हैं 134 रन स्कोर किया 13 विकेट निकाले हैं। ध्यान रखना न्यूजीलैंड की टीम में राइट हैंडर बैट्समैन ज़्यादा हैं और लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगर डेवन कॉनवे और टॉम लॉथम को छोड़ दिया जाए तो कम है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मोइन अली थोड़े बहुत कम इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे मेरे हिसाब से, हालांकि इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी से पॉइंट दिया है आपको। रिसेंट फॉर्म की बात की है 33 रन 2 विकेट 12 रन 1 विकेट 3 रन 4 विकेट 56 रन 0 विकेट। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि मोइन अली के इस मैच में विकेट निकालने के चांसेस कम रहने वाले हैं। सैम करन है ODIs में, इनका नाम 26 मैच में 383 रन है 28 विकेट निकाले हैं, हेड टू हेड में 3 मैच खेले हैं 65 रन स्कोर किया 2 विकेट निकाले हैं, इनके बल्लेबाजी से आपको पॉइंट देने के चांसेस कम रहने वाले हैं और गेंदबाजी से भी आपको पॉइंट देने के चांसेस कम रहेंगे। ध्यान रखना रिसेंट फॉर्म की बात की है तो 42 रन 0 विकेट 3 रन 1 विकेट 20 रन 1 विकेट और 1 विकेट। क्रिस बॉक्स हैं ODIs में, इनका नाम 114 मैच में 1393 रन है 163 रन निकाले हैं, हेड टू हेड में इसका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहता है खासकर गेंदबाजी से, 15 मैच खेला 25 विकेट निकाला 113 रन स्कोर किया है, और रिसेंट फॉर्म की बात किया तो 0 विकेट 16 नॉट आउट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट और 0 विकेट। ये गेंदबाजी अच्छी कर रहा है हालांकि इसको 1-2 मैचों में विकेट नहीं मिले हैं। आदिल रशीद हैं ODIs में, इनका नाम 126 मैच में 184 विकेट है, हेड टू हेड में 14 मैच में 18 विकेट है, रिसेंट फॉर्म की बात किया तो 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट। मार्क वुड हैं ODIs में, इनका नाम 59 मैच में 71 विकेट है, हेड टू हेड में 9 मैच में 9 विकेट है, रिसेंट फॉर्म थोड़े बहुत विकेट मिल रहे हैं, स्टार्टिंग के ऊपर छांट डालने वाले हैं।
यस करण सी वोक्स यम वुड, डेथ को डालेंगे यम वुड, ए रसीद यस करण सी वोक्स। बेंच में इधर से चार प्लेयर हैं, अगर कोई खेलता है तो उनके स्टेट्स आपको लास्ट मिनट अपडेट में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर यहाँ से टॉप प्लेयर्स की बात करें तो पिक कर सकते हो। मेरे हिसाब से इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, मस्ट पिक रहने वाले हैं जॉनी बेरेस्टो, उसके साथ साथ डेविड मलान। ध्यान रखना, अगर आप जॉनी बेरेस्टो को पिक करते हो तो उधर से ट्रेंट बोल्ट को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की तरफ से शुरुआत में जो गेंदबाजी करता है तो वो बॉलर, इस बात का ध्यान रखना। इधर से मैं पिक करने वाला हूँ बेन स्टोक्स को। आप चाहो तो जॉनी बेरेस्टो को ड्रॉप भी कर सकते हो, मैंने ड्रॉप किया हुआ है अपनी टीम में। बेन स्टोक्स को पिक करना है, इधर से पिक करना है जोस बर्डर को, मस्ट पिक रहने वाला है। इधर से आप पिक कर सकते हो मेरे हिसाब से लियाम लिविंगस्टोन को, उसके साथ बात किया है तो इधर से मैं पिक करने वाला हूँ क्रिस बॉक्स को। तो बात हो गई इंग्लैंड की, अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी कि न्यूजीलैंड की। इनकी बात की जाए तो यहाँ से ओपन करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली डेवन कॉनवे, और उनके साथ ओपन करेंगे बिल यंग। डेवन कॉनवे की बात की जाए तो ओडीआई में इनका नाम 22 मैच में 874 रन है 46 की ओर से। हेड टू हेड में चार मैच खेले हैं, 141 रन स्कोर किया 47 की ओर से इंग्लैंड के खिलाफ। रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है अगर पिछले मैच को छोड़ दिया है तो, हालांकि ये थोड़ा बहुत अनलकी भी रहा है तो इस बात का ध्यान रखना। और बढ़िया टेक्निकल बैटर है, इंपॉर्टेंट पिक रह सकता है खासकर अगर न्यूजीलैंड टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो ध्यान रखना। बिल यंग उनके साथ ओडीआई में इनका नाम 22 मैच में 818 रन है 43 की ओर से। हेड टू हेड में चार मैच खेले हैं, 98 रन स्कोर किया है, इतना अच्छा एवरेज नहीं रहा है। रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 24, 58, 0, 70 और 12। केन विलियमसन आएंगे ओडीएज में इनका नाम 161 मैच में 6554 रन है 47 की ओर से। हेड टू हेड में 20 मैच खेले हैं, 983 रन स्कोर किया 54 की ओर से। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो बहुत ही शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहा है, इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है और मस्ट पिक रहने वाला है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी खेल सकते हो। टॉम लाथम है ओडीएज में इनका नाम 134 मैच में 3797 रन है 35 की ओर से। हेड टू हेड में 11 मैच खेले हैं, 321 रन स्कोर किया 32 की ओर से। रीसेंट फॉर्म थोड़ा बहुत अच्छा रहा, स्टार्ट्स मिले हैं। डेरिल मिचेल हैं ओडीएज में इनका नाम 29 मैच में 1025 रन है 13 विकेट निकाले हैं। ध्यान रखना डेरिल मिचेल आपको कम से कम 5 से 6 ओवर करके देगा, साथ में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेगा। 46 की ओर से रन बनाया है ओडीएज में और हेड टू हेड में 65 की ओर से इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाया है। ध्यान रखना रीसेंट फॉर्म की बात की है, 17 रन 0 विकेट 4 रन 2 विकेट 59 रन 0 विकेट 25 रन 0 विकेट। जेम्स निसाम है ओडीएज में इनका नाम 73 मैच में 1437 रन है 69 विकेट निकाले हैं, ये भी राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं। हेड टू हेड में 3 मैच खेले हैं, 56 रन स्कोर किया 5 विकेट निकाले हैं इंग्लैंड के खिलाफ। रीसेंट फॉर्म 21 रन 0 विकेट 4 रन 57 रन आउट 33 रन 1 विकेट 14 रन 0 विकेट। मिचेल सैंडर हैं ओडीएज में इनका नाम 94 मैच में 1252 रन है 91 विकेट निकाले हैं। हेड टू हेड में 14 मैच खेले हैं, 337 रन स्कोर किया 13 विकेट निकाले हैं। मिचेल सर्नर थोड़ा बहुत नीचे बल्लेबाजी करने वाले हैं तो इनके आपको बल्लेबाजी से पॉइंट देने के चांसेस कम रहने वाले हैं, लेकिन ये आपको गेंदबाजी से पॉइंट दे सकता है। हालांकि ये गेंदबाजी अच्छी करता है लेकिन इसके विकेट निकालने के चांसेस कम रहते हैं। रीसेंट फॉर्म की बात किया तो 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 नॉट आउट 2 विकेट 16 नॉट आउट 1 विकेट। इस सोठी हैं ओडीएज में इनका नाम 49 मैच में 61 विकेट है और हेड टू हेड में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 4 मैच खेला जिसमें 10 विकेट निकाल चुका है। ध्यान रखना रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 2 विकेट 35 रन 6 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट इन 2 मैचों में जिसमें इसको विकेट नहीं मिला है, इसमें भी इसने अच्छी गेंदबाजी किया है। टीम साउदी हैं ओडीएज में इनका नाम 157 मैच में 214 विकेट है, हेड टू हेड में 24 मैच में 40 विकेट लिया है इंग्लैंड के खिलाफ। रीसेंट फॉर्म इसका अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। ट्रेंट बोल्ट है ओडीआई में इनका नाम 104 मैच में 197 विकेट है, हेड टू हेड में 14 मैच में 27 विकेट है और रीसेंट फॉर्म इसका भी अच्छा है, ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। लोके फर्ग्यूसन है राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करते हैं, ओडीआई में 58 मैच में 89 विकेट है, हेड टू हेड 4 मैच में 6 विकेट है। और रीसेंट फॉर्म की बात की है तो 5 नॉट आउट 1 विकेट 13 रन 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट, ये भी कम इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे मेरे हिसाब से। स्टार्टिंग के ओवर साथ डालने वाले हैं टी बोल्ट, टी साउदी, जे निसाम। डेथ को डालने वाले हैं यल फर्ग्यूसन, टी बोल्ट, टी साउदी। बेंच में इधर से भी चार प्लेयर रहने वाले हैं, अगर कोई खेलता है इनमें में से तो इनके स्टेट्स भी आपको लास्ट मंथ अपडेट में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर यहाँ स्टॉप प्लेयर्स की बात करें तो आप पिक कर सकते हो। मेरे हिसाब से इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं डेवन कॉनवे। इधर से मैं पिक करने वाला हूँ केन विलियमसन को, उसके साथ साथ बात की जाए तो इधर से मैं पिक करने वाला हूँ डेरिन मिशेल को। इधर से आप मिशेल सैंडर को पिक कर सकते हो, मेरे हिसाब से कम इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं इस मैच में खासकर, उसके साथ साथ बात की जाए तो इधर से मैं पिक करने वाला हूँ ईस्ट सोठी को, ट्रेंट बोल्ट को, टीम साउदी को। तो एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका कंप्लीट, अब बात करते हैं टॉप कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स की। तो अगर टॉप कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स की बात की जाए खासकर इस मैच में, तो मैंने जोस बटलर को पिक किया हुआ है नंबर 1 पर, डेविड मलान को नंबर 2 पर, केन विलियमसन को नंबर 3 पर, डेरिन मिचेल को नंबर 4 पर। इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है और बेन स्टोक्स को भी ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन ट्राई करना है। तो ये तो बात हो गई टॉप कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स की, अब बात करते हैं डेमो टीम की। डेमो टीम की बात करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नया हूँ
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं डेमो टीम की। डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है डी कॉनवे, जे बटलर को। बैटिंग सेक्शन से मैंने रखा है के विलियमसन, बी स्टोक्स, डी मलान, डी मिचल को। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने रखा है यल लिविंगस्टोन को। और बॉलिंग सेक्शन से मैंने रखा है टी बोल्ट, टी साउदी, सी बॉक्स, आई सोठी को। कैप्टन में रहने वाले हैं जे बटलर, वाइस कैप्टन रहेंगे के विलियमसन, लेकिन फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टॉस और लाइम्स आउट होने के बाद। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको फाइनल टीम मिलने वाली है। थैंक यू।